सच बोनो छे मेरी माँ जी बेटी हूँ देवी रानी रे, सच बोनो छे मेरी माँ जी बेटी हूँ देवी रानी रे, सैती पाली तेन माँ जी मैं बनाई पाराया रे, बाबा जी ने पढ़ लिखा क्या कंद पढ़ के रे, बाबा जी ने पढ़ लिखा मैं डोली बैठाई रे। चमोली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो माँ नंदा राजजात के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। आज हम चमोली जिले के कुरुड़ नामक गांव में आए हैं। कुरुड़ वही गांव है जहां पे हर साल माँ नंदा की जो छोटी जात होती है वो हर साल होती है। आज माँ नंदा की डोली यहां से तीन डोलियां उठी हैं और एक डोली के साथ हम यहां से यात्रा शुरू करेंगे जो बेदनी बुग्याल की तरफ जाएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीप प्रकाश अग्रवाल, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव, कहा गया है कि नंद के घर में उत्पन्न हुई यह माँ नंदा के घर में उत्पन्न हुई यह नंदा देवी राज राजेश्वरी है। और ये आदिकाल से 9वीं शताब्दी में देवी का जो पादो प्रणाम हुआ था वो हमारे ही गांव में देवी शिला के रूप में प्रकट हुई थी 9वीं शताब्दी में। तदुपरांत से कन्याकुब्ज गौड़ ब्राह्मण 9वीं शताब्दी में कुरुड़ पहुँचे, तब उन्होंने देवी ने उन्हें सपनों में दर्शन दिया कि मैं यहाँ पर हूँ। तदुपरांत देवी के दर्शन के लिए गौड़ पुजारी यहाँ आए। तदुपरांत जो है कि 9वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक देवी के ये लगातार जो विश्व लोक जात यात्रा है तभी से और आज तक जो चल रही है, जिस कारण कि अभी जो है कि 2026 में इस देवी का मुख्य डोली के रूप में नंदा देवी राज राजेश्वरी है जो प्रगणा बधाड़ में चलती है। राज ये जो है कि हमारी राजजात की मुख्य डोली है। जो कांसों के कुंवर हैं वो इसी देवी को अपना जो छतरी लेते हैं, छाता राज छतरी, वो इसी को अर्पण करते हैं, तभी राजजात अगुवाई देवी करती है। गो माता जी गो डाला पे टाणा बे की गो माता जी गो डाला पे टाणा बे की गो माता जी गो डाला पे टाणा बे की गो माता जी गो डाला तेरी बे जो करो तेरी बाजा मु करो बजाना बे की गावा तेरी बाजा मु करो बजाना बे की गावा तेरी बाजा मु करो बेदा सारा वेगी वो यारी सारा डाली बेदा सारा वेगी तेरी यारी सारा डाली बेदा हमारे यहाँ पे आज दो डोलियाँ अपने ससुराल को जाने वाली हैं। एक डोली जाती है बालपाटा और एक डोली जाती है बदाण को। तो दोस्तों, आप लोगों को नंदनगर के कुरुड़ गांव में बहुत सारी
परंपराएं और संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। और आज हमारे जो दो डोलियां हैं वो डोलियां अपने ससुराल जाएंगी, जो कि 6 महीने अपने मायके रहती है और 6 महीने अपने ससुराल में रहती है। चला मेरी गोरा शिव का कैलास, चला मेरी गोरा शिव का कैलास, चल मेरी गोरा शिव का कैलास, चल मेरी गोरा शिव का कैलास, तेरे जाना 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 गोरा शिव का कैलास, पेटाना ले गे ओ सारी डोल, पेटाना ले गे ओ सारी डोल, पेटाना ले गे सारी डोला, पेटाना लगे उन सारी डोला, चला मेरी गोरा कैला सोपेट, चला मेरी गोरा कैला सोपेट, चल मेरी गोरा कैला सोपेट, चल मेरी गोरा कैला सोपेट। जागर का मुझे पहले से सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब जब मैं पहले गांव में रहती थी तो तब मैं थोड़ा थोड़ा ही मतलब ऐसे के सुन सुन के थोड़ा सीखती थी बचपन में। मुझे बचपन से थोड़ा गाने का भी बहुत शौक़ है, तो इसीलिए मतलब मुझे अच्छा लगता था ये सब। यहाँ मेरी नानी का घर भी है तो इसीलिए मैं यहाँ आती रहती थी, तो ये सब मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। कितना सीख पाई है? अभी तो ज़्यादा नहीं सीख पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि पूरा सीखूँ, जिससे कि मतलब आगे पूरा परफेक्ट हो सके। जैसे नंदा देवी के लिए हम अपने गीत गाते, तो वो हमारी भावनाएं, जो हम अपनी भावनाएं नंदा देवी के लिए, उनकी विदाई के लिए जो हम मतलब अपने भाव प्रकट करते हैं वो है। आज हम माँ नंदा देवी करुण मंदिर सिद्धपीठ में माँ भगवती राजराजेश्वरी को डोली जोड़ आया हूँ। आज प्रथम पड़ाव कुरुणवटी चरवंश मागो में आज हम भूमि भूमि हाल के अध्यक्षता में वहाँ पूजा अर्चना करने और माँ भगवती की डोली आज हम गाँव में भगवती मंदिर में जाली। वे बाद वहाँ की सभी ग्राम सभा लोग पूजा अर्चना करल, पूजा अर्चना करने बाद रात्रि विश्राम रही, विश्राम बाद सुबह पूरा गाँव मंदिर में भीड़ लगल, भीड़ लगने बाद गए हम डोली हम बो डोली विदाई ग्राम सभा मटकोर तक हम खुद छुआने जाना।
ये नंदा देवी राजराजेश्वरी ये बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत पहले से चल के आया है कि ये डोली हम लोग हमारा ही गांव प्रथम बार मतलब मंदिर से जब डोली चलती है तो पहले हमारे गांव वाले डोली को उठाते हैं और ये हमारा गांव चेरबंग है और ये हमारा तो यहाँ पे हम 5-7 परिवार रहते हैं हमारे तो हम ये खाली तो नाम से चेरबंग गाँव में है विकासखंड नंदा नगर में। तो नंदा देवी जी बहुत पहले से ही पौराणिक जब से मतलब हमारे दादा परदादा जब से ही शुरू हुआ होगा हमने यही सुना है कि हम लोग हमारे ही पूर्वज प्रथम अधिकार या जिसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा बोलते मायका मेन मायका हमारे गांव है और ये जो करूड़ के लोग हैं वो पुजारी हैं मायका वाले हम लोग हैं। हम लोग ही डोला जैसे एक बेटी को विदा करते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रथम बार डोली को छोड़ने के लिए यहाँ से उस टोली जाते हैं, उस टोली से आगे भेटी जाती है डोली, वहाँ से फिर आगे बदान में ये बुंगा बुरसोला सोना चैपड़ो होते हुए नंद कृषि होते हुए ठीक लास्ट पड़ाव इसका वाण में होता है। वाण के ऊपर गांव वाण है लेकिन उसके ऊपर फिर ये पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, बुग्याल क्षेत्र आ जाता है, वहाँ पर आपका ये पातल है, आपका गैरुली पातल है, उसके बाद वेदनी है, उसके बाद पातर नसोड़ियाँ है, उसके बाद बकुवासा है, उसके बाद आपका रूपकुंड है, उसके बाद लास्ट जाति माँ भगवती की जात वहाँ होमकुंड में होती है। और ये जात हर साल होती है, साल में एक बार होती है लेकिन हर 12 साल में एक बार भव्य तरीके से एक इस यात्रा को ये भी कहते हैं कि एशिया पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर ये सबसे लंबी पैदल यात्रा है। Hare 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 Hare
काम है भाई उतारे बादो देवता सुरू देवता चंद्रमा देवता बंसवो कुटाराया श्रीनाम देवते नमः सिद्ध बुद्धि गणपते ऐं ब्राह्मण द्वारा सुमंगल तिलकं ओम ब्राह्मण द्वारा सुमंगल तिलकं गन्नम पिठं गजहां गन्नम द्रा। लोक जात यात्रा का प्रथम पड़ाव कुरुड़ से चरवंग गांव के लिए आता है। आज यहां का प्रथम पड़ाव है। ऐसी ही यात्रा पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ती रहेगी और ऐसे ही हम आपको पड़ाव दर पड़ाव सीरीज को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय नंदा। चल मेरी गोरा शिव का केला।